अब विष्णु भगवान ने अपने दो बाल, एक सफेद बाल और एक काला बाल, दोनों उन्होंने उठा लिया। काला बाल जो है वो कृष्ण हो गया और जो सफेद बाल था वो बलराम हो गया। कहने का अभिप्राय क्या है कि विष्णु भगवान अनंत शक्ति साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। जैसे मनुष्य के शरीर में एक बाल होता है, वैसे परमेश्वर के शरीर में राम और कृष्ण है। परमेश्वर भी अधेर हो रहा है, एक बाल इसका सफेद, एक बाल का बाल काला। सफेद बाल ये विष्णु भगवान का पुराण है ना, इसमें विष्णु की प्रधानता रहती है। बोले कि ये दोनों बाल हमारे अवतार लेंगे और ये पृथ्वी के सारे दुख दूर करेंगे। देवता लोग दैत्यों से युद्ध करें, देवी का आठवां गर्भ जो है वो कंस के लिए घातक होगा नारायण, और देवहरण चतुर्थी के भाई के जो आठ छह बच्चे हैं वे सब के सब देवी के गर्भ से पैदा होंगे और वो मर जाएंगे। और जो निद्रा महामाया वैष्णवी जो है वो भी जशोदा से पैदा होगी। भगवान ने योग निद्रा को आदेश दे दिया, ये जो हरण कतिपु के भतीजे है उनको ले जाकर के देवकी के गर्भ में क्रम क्रम से डालते रहे और कंस उनको मारते रहेंगे। साथ अंश के रूप में बलराम जी आएंगे, उन्हें तुम देवकी के गर्भ में से निकाल के रेणु के गर्भ में पहुंचा देना। दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा कि सातवां गर्भ देवकी का गिर गया, तो उसके बाद मैं देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण करूंगा भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। तो देवकी जशोदा की शिज्ञा पर मैं आ जाऊंगा और नारायण वहां जशोदा के गर्भ से प्रकट होकर के तुम देवकी के आ जाना। कंस तुमको पत्थर पर पटक देगा और नारायण इसके बाद तुम उड़ जाना आसमान में और बड़े बड़े देवता तुम्हारी सेवा पूजा करेंगे। जिससे कोई काम लेना हो उसको कुछ देना चाहिए। भगवान ने योग निद्रा अपनी शक्ति से भी काम लिया तो उसको अनेक उत्थान दिया, सारी पृथ्वी का भूषण बनाया, भूति सन्नति शांति शांति देव पृथ्वी धृति लज्जा पृथ्वी सब देवी में आ गया। और आर्या दुर्गा वेदगर्भा भद्रा भद्रकाली ये सब नाम हो गया और वरदान दे दिया कि जो देवी की स्तुति करेंगे उनका मंगल होगा, जो पूजा करेंगे भगवान की कृपा से देवी सबका मंगल करेगी। इसके बाद छह गर्भों का विन्यास किया देवी ने, देवकी के गर्भ में सातवें गर्भ के रूप में बलराम जी आए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। योग निद्रा उसी दिन जशोदा मैया से प्रकट हुई जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था। इस समय आकाश में ग्रह अच्छे हो गए और भगवान श्री कृष्ण का अंश जब देवकी के गर्भ में आया तो इतनी तेजस्वनी हो गई देवकी कि कोई टेढ़ी आंख से उसको देख न सके। देवता बड़े बड़े देवताओं की आंख भी उस पर न जम सके। भगवान जिसके अंदर आकर प्रकट हो जाते हैं उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसके बाद सबके सब देवता देवकी के पास आए और उन्होंने उसकी बड़ी भारी स्तुति की, क्योंकि श्री कृष्ण भी स्वयं भगवान भी जिसके गर्भ में आते हैं उससे बड़ा और क्या होता है। श्री कृष्ण की माता की स्तुति, भागवत में गर्भस्थ स्तुति और गर्भस्थ भगवान की स्तुति है और विष्णु पुराण में साक्षात देवकी माता की स्तुति है। देवता लोग बोलते हैं तुम परा प्रकृति हो, सूक्ष्म हो नारायण, तुम
वाणी हो, वेद गर्भा हो, तुम ही सृज्य स्वरूप गर्भा हो, सृष्टि गर्भा हो, बीज हो, यज्ञ भूत हो, त्रय तुम ही हो, फल गर्भा तुम ही हो, वन गर्भा अरणी हो तुम, देव गर्भा अदिति तुम हो, दैत्य गर्भा दिति भी तुम हो, दासर गर्भा ज्योत्सना तुम हो, ज्ञान गर्भा सन्नति तुम हो, नय नय गर्भा नीति तुम हो, प्रश्रय युक्ता लज्जा तुम हो, काम गर्भा तुम हो, इच्छा तुम हो, काम गर्भा इच्छा तुम हो, संतोष गर्भिणी पुष्टि तुम हो, बोध गर्भा मेधा तुम हो, धैर्य गर्भा धृति तुम हो। जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं सबकी जो माता होती है, कारण होती है, जिसके पेट से अच्छी अच्छी वस्तुएं निकलती हैं, उनके रूप में देवकी की स्तुति देवताओं ने किया और कहा कि तुम तो सारी लोक की रक्षा के लिए ही माता प्रकट हुई हो और जगत का जैसा शुभ हो वैसा करो और ये ईश्वर परमेश्वर को तुम अपने गर्भ में धारण करो। इस प्रकार महाराज देवताओं ने देवकी की स्तुति की। देवकी ने अपने गर्भ में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का धारण किया। ऐसे कोई कहे कि जैसा भागवत में है वैसा ही विष्णु पुराण में है तो ये समझना चाहिए कि ऊपर ऊपर उसने भागवत पढ़ा है और ऊपर ऊपर ही विष्णु पुराण सुनता है, क्योंकि दोनों के वर्णन में बहुत भेद है। नारायण उसके बाद अखिल जगत रूप कमल को प्रकाशित करने के लिए श्री कृष्ण रूप सूर्य का देवकी रूप पूर्व की संध्या में आविर्भाव हुआ। वो उस दिन चारों ओर मंगल ही मंगल हो गया, जैसे चंद्रमा की चांदनी फैल गई हो। संतों को बड़ा संतोष हुआ। आधी जो चलती थी पहले तूफान जो आता था वो बंद हो गया, नदियों के जल निर्मल हो गए और समुद्र अपने शब्द से मधुर बाजी बजाने लगे, गंधर्व अप्सरा गाना और नृत्य करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, बादल जो है वो मंद मंद गर्जना समुद्र के पास करने लगे। आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। पुल्लेन्दी वरपत्रावम खिले हुए कमल के समान उनके नेत्र, चतुर्बाहु वक्षस्थल पर श्रीवत्स, वसुदेव जी ने उनकी स्तुति की। नारायण छोटी सी स्तुति दो श्लोकों की है। हे प्रभु, आप हमारे घर में शंख चक्र गदाधारी के रूप में प्रकट हुए हैं, आप कृपा करके अपना ये दिव्य रूप समेट लीजिए, नहीं तो आज ही कंस आ करके हम लोगों को मार डालेगा, उसको पता चल जाएगा कि हमको मारने वाला आया है। देवकी ने भी ऐसी प्रार्थना की, दुख संभर सर्वात्मन रूप में से चतुर्भुजम, इस चतुर्भुज रूप को प्रभु समेट लीजिए और तुम्हारे अवतार का पता कंस जैसे दुष्ट को न चले। भगवान ने कहा कि पहले जन्मों में तुम लोगों ने बड़ी तपस्या हमारी आराधना की थी कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पेट से आया हूँ। ऐसा कहकर भगवान चुप हो गए। वसुदेव जी उनको रात के समय ही लेकर के और वहाँ से जहाँ जन्म उनका हुआ था वहाँ से निकल पड़े। जो रक्षक थे वे सब के सब जोग निद्रा से मोहित हो गए। मथुरा के द्वारपाल हैं वो भी सो गए। वर्षा होने लगी तो शेष भगवान ने आकर के ऊपर से रक्षा की। जमुना जी नारायण बड़े वेग से बह रही थी, बहुत बड़ा जल था उनमें, पर जब वो पहचान गई कि ये तो साक्षात विष्णु हैं, तो घुटने भर पानी उनमें हो गया। अब वसुदेव जी ने वहाँ जाके श्री कृष्ण की स्थापना की। उन्होंने जमुना जी के तट पर देखा कि कंस को कर देने के लिए
नंद गोप वगैरह आए हुए हैं वहाँ। सो उसी समय जसोदा मैया जोग निद्रा से मोहित हो गई और उसी मोह दशा में ही कन्या की उत्पत्ति हुई। वसुदेव जी ने अपने बालक को खास कवि ने तो इस प्रसंग का वर्णन ही बड़े विचित्र ढंग से किया है। कोई न गोकुल का महल न कुछ, तो वो तो छकड़े में लोग इधर उधर कभी प्रज में कभी रहते थे कभी कहीं रहते थे। उस दिन जमुना जी के तट पर खुले में ही रह रहे थे। नंद से भेंट हो गई और वसुदेव जी ने नंद बाबा को बता दिया और जसोदा मैया की लड़की जो थी उसको खा के ले आए और अपने लाला को जसोदा मैया की गोद में उन्होंने सुला दिया और लाके जोग माया को देवकी को दे दिया। अब जोग माया रोने लगी और रोने लगी तो बालक मणि सुन करके ये जमुना के तट पर ही लेन देन हुआ लड़की और श्री कृष्ण का। बल्कि भास कवि ने जो बाल चरितम नाम का नाटक लिखा है उसमें ऐसे ये प्रसंग लिखा है कि नंद बाबा के घर में जसोदा मैया से एक कन्या पैदा हुई और उन्होंने पहचाना नहीं कि ये कन्या है कि पुत्र। वो बिल्कुल मरा हुआ था और तो नंद बाबा ने समझा कि ये तो मरी हुई कन्या है। उसको उठा करके ले गए जमुना जी में डालने के लिए। जब जमुना जी में डालने के लिए ले गए तो उसी समय आंधी पानी आ गई, रुकावट हो गई, रात हो गई। उसी समय वसुदेव जी अपने लाला को मथुरा से लेकर जमुना जी को पार करके वहाँ पहुँचे, नंद बाबा से भेंट हो गई। इसी बीच में वो जो कन्या है तो वो जिंदा हो गई, जीवित हो गई, फिर सांस लेने लगी। सब दोनों ने आपस में बदल लिया। बस नंद बाबा तो लौट आए कि हमारा बालक देखो जीवित हो गया, इसको तो मरा हुआ समझ के हम ले गए थे, ये जीवित हो गया, लाकर जसोदा जी को दे दिया। जसोदा जी को पता नहीं चला कि ये हमारा बालक है कि नहीं है। और उधर वसुदेव जी उसी कन्या को लेकर के कि ये तो मरी हुई है ही है, देवकी के पास ले गए। इस तरह भास के बाल चरितम नाटक में ये कथा है। श्री कृष्ण चरित्र पर उन्होंने कई नाटक लिखे हुए हैं। अब वो हजारों बरस पहले का है, कोई आज का तो है नहीं कि आज के किसी कवि ने कल्पना करके रखे हो। सो नारायण बालक की ध्वनि सुन करके वहाँ आया और अब देवकी कहने लगी छोड़ दो ये बिचारी आखिरी है हमारी। पर कंस ने छीन करके उसको एक पत्थर पर पटक दिया। अब वो तो महाराज उसके हाथ से ऊपर उठते चली गई और अपने आयुधों सहित अष्टभुजा देवी हो गई और कंस से कहा कि मुझे फेंकने से तेरे को क्या लाभ हुआ, तेरी जो मृत्यु है वो तो प्रकट हो चुकी है। सो अब तुम ये निश्चय कर जान करके अपना निश्चय करो। देवी तो चली गई, देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। इसके बाद वर्णन करते हैं कि अब तो कंस को बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलम्ब केसी आदि जो बड़े बड़े असुर थे उनको बुलाया और उन्होंने बताया कि कंस ने असुरों को बताया कि देवताओं ने हमारे मारने के लिए बड़े बड़े उपाय किए हैं। सो वे मेरे भय से डर गए हैं। ये तो कमजोर हैं, सब इंद्र हैं, रुद्र हैं, आदित्य हैं या दूसरे देवता हैं, ये हमारे सामने ठहर नहीं सकते हैं। यदि इंद्र हमारे राज्य में वर्षा नहीं करेगा तो मैं अपने बाणों से बादलों को टुकड़े टुकड़े करके वर्षा करा लूंगा। और ये जो देवता लोग हैं इनमें क्या रखा है, इनके बल वीर्य को देख करके तो हमसे हंसी आती है, लेकिन शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इनको मारने का उपाय यही है कि संसार में जितने धर्मात्मा हैं यज्ञ जाग आदि करने वाले उनको नष्ट किया जाए और खास करके वो जो कन्या प्रकट हुई थी देवकी से
वो ये कह गई है कि मुझे मारने के लिए कोई बालक प्रकट हो गया है, सो ढूंढ करके उसी को बालक को मारना चाहिए। जहाँ मालूम पड़े कि यहाँ बल वीर्य ज्यादा है उस बालक को पहले ही मार देना चाहिए। और इसके बाद कंस अपने महल में गया और वसुदेव देवकी जो कैद में पड़े हुए थे उनको छोड़ दिया और उनसे कहा कि हमने आपके बच्चों को झूठ मूठ मारा, जो होने वाला था वो तो हो गया, अब आप लोगों का ही कोई ऐसा प्रारब्ध रहा होगा, आपका ही ऐसा कोई दुष्कर्म रहा होगा जिसके फल स्वरूप आपके बच्चे मर गए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये असुर की बात हुई है। वैसे लोग जो है ना वो अपराध भी करते हैं और जिसका अपराध करते हैं उससे कह देते हैं कि ये तुम्हारा ही प्रारब्ध है, ये असुरों की वाणी हुई। अब महाराज वसुदेव जी जब छूटे तो वो नंद बाबा जो कंस को कर देने के लिए आए थे वहाँ आए और जा करके बड़ा अभिनंदन किया, ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे मर गए कि हमारे बच्चे तकलीफ में पड़े, जा करके नंद बाबा के पुत्र होने का बड़ा भारी अभिनंदन किया और उनसे कहा कि आपको ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप गोकुल में चले जाइए, मेरा बालक जो रोहिणी के गर्भ से पैदा हुआ है बलराम वो भी आपके पास रहता है, आप उसकी रक्षा करना। सो नारायण नंद बाबा वहाँ से लौट पड़े। अब उधर गोकुल में आकर के जब रहने लगे तो बाल घातिनी पूतना आई और श्री कृष्ण को रात्रि में उसने हरण कर लिया और हरण करके उनके मुंह में अपना स्तन डाल दिया। ये पूतना राक्षसी का ये स्वभाव है कि रात के समय जिस बच्चे के मुंह में वो अपना स्तन डालती है वो बालक मर जाता है। ये पूतना लगती है, ऐसे पूतना के लिए शांति के भी प्रयोग बहुत से मिलते हैं पुराने ग्रंथों में। अब तो कृष्ण को आ गया क्रोध और उसका दूध उन्होंने बड़े जोर से खींचा, सो वो बिचारी चिल्लाती हुई धरती में गिर पड़ी और मर गई। उसकी गोद में से गोपियों ने जाकर के श्री कृष्ण को उठा लिया और ला करके जसोदा को दिया। जसोदा मैया ने गाय की पूंछ घुमाई हो बालक के ऊपर और नंद बाबा ने गाय का गोबर लेकर के बालक के मस्तक पर लगाया, बालक के अंदर कोई दोष आ गया हो पूतना के स्पर्श से तो उसको दूर किया और नंद गोप ने श्री कृष्ण की रक्षा की। भागवत में है कि गोपियों ने रक्षा की और इसमें है कि नंद बाबा ने रक्षा की। कथा के भेद में घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो कल्प भेद से संकल्प भेद से वक्ता के भेद से श्रोता के भेद से अनेक प्रकार से कही जाती है और सुनी जाती है और वो भिन्न भिन्न कल्पों में बिल्कुल सच्ची हुई होती है। नंद बाबा ने बालक की रक्षा की, तुम संपूर्ण प्राणियों के जो आदि कारण है भगवान वो बालक तुम्हारी रक्षा करें, वो तुम्हारे बालक तुम्हारी रक्षा करें। जिनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ये संपूर्ण जगत जिनसे पैदा हुए हुई, वराह रूप धारण करके जिन्होंने पृथ्वी को निकाला, नृसिंह रूप धारण करके जिन्होंने हिरण्यकशिपु का धारण किया, वामन होकर इस तरह से दसों अवतारों का नाम लेकर उन्होंने श्री कृष्ण की रक्षा की। तो आम पातु दिक्षु वैकुंठो विधि विदिक्षु मधुसूदना दिशा विदिशा में सर्वत्र वैकुंठ और मधुसूदन भगवान तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार नंदगोप ने जब कभी कोई संकट मालूम पड़े तो भगवान को स्मरण करके उनके स्मरण के कवच से संकट ग्रस्त को ढक देना चाहिए नारायण। और उसके बाद नंद बाबा ने
छतरे के नीचे, क्योंकि ये लोग कोई महल में नहीं रहते थे। ये जो वृंदावन वाले लोग महल का वर्णन करते हैं, वो वर्णन नित्य धाम का, नित्य वैकुंठ, नित्य गोलोक, नित्य वृंदावन, नित्य गोकुल, वहाँ का वर्णन महल के रूप में करते हैं। ये जो ब्रज है, इस ब्रज में तो छकड़े पर ये लोग जहाँ जहाँ गायों के लिए अनुकूल रहता हो वहाँ वहाँ विचरण किया करते थे। सो छकड़े के नीचे श्री कृष्ण को नंद बाबा ने सुला दिया। बच्चों के लिए छोटे छोटे पलंग बने हुए थे, उस पर कृष्ण सुला दिए गए। अब पूतना का शरीर तो बड़ा भारी था, सो उसको देखकर गोपों को बड़ा आश्चर्य हुआ और डर भी उनको लगा कि हाय हाय, ये कितनी बड़ी राक्षसी हमारे बालक के लिए आ गई थी। पर भगवान ने इससे बालक की रक्षा की। एक बार भगवान श्री कृष्ण को छकड़े के नीचे सुलाया हुआ था, उनके मन में दूध पीने की इच्छा हुई, सो अपने पांव उन्होंने उछालने शुरू कर दिए। अब उससे वो छकड़ा उलट गया। इसको किसने गिरा दिया? बालकों ने कहा कि हमने देखा इसी का पांव लगने से ये छकड़ा उलट गया है। लेकिन कौन विश्वास करे महाराज? नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर जसोदा मैया ने उस छकड़े की पूजा दही, फूल, फल और अक्षत लगा के की। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए वसुदेव की प्रेरणा से, और चुपचाप किसी को पता न चले उन्होंने नामकरण संस्कार किया। बलराम का नाम जो बड़े थे रोहिणी के पुत्र, उनका नाम राम रखा, और जो जसोदानंद के पुत्र थे उनका नाम कृष्ण रखा। इस तरह नामकरण संस्कार किया। थोड़े दिनों में घुटनों के बल राम और कृष्ण चलने लगे ब्रज भूमि में, हाथ पांव दोनों के बल से। उनके शरीर में गायों का गोबर और राख लग जाती और इधर उधर भटकते। जसोदा और रोहिणी उनको रोक भी नहीं सकते थे। गोष्ठ में राम और कृष्ण दोनों क्रीड़ा करते, और कभी उसी समय पैदा हुए जो गायों के बछड़े थे उनकी पूंछ पकड़ के खींचते भी थे। जब जसोदा मैया उनको खेलने से नहीं रोक सकी महाराज, वो बड़े चंचल और क्रीड़ा करें, सो एक दिन जसोदा मैया ने रस्सी से श्री कृष्ण को बांध दिया उखल में और डांट के कहा कि यदि तेरे अंदर शक्ति है तो अरे वो चंचल अब यहाँ से भाग जा। कृष्ण की कमर में रस्सी लगाई और बांध दिया उखल में, और अपना घर का काम करने के लिए चली गई। जब वो काम करने के लिए चली गई तब श्री कृष्ण उखल को घसीटते हुए नारायण दो वृक्षों के बीच में चले गए। बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जुड़वा अर्जुन के साल के वृक्ष। अब तो महाराज तड़ तड़ाए के दोनों जब गिरे तो ब्रजवासी लोग सब के सब इकट्ठे आ गए। नारायण देखा तो उनके बीच में बालक पड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है, रस्सी से बंधा हुआ है उखल में। सो नारायण उसी से श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर भी हो गया। इसमें वो सब नल कुबर मणिग्रीव आदि की जो कथा है वो इसमें नहीं है। अब नारायण ग्वाल बाल सब ग्वाल इकट्ठे हुए, बड़े बड़े बूढ़े, और उन्होंने आपस में सलाह की कि ये स्थान हम लोगों के रहने योग्य नहीं है, अब आओ हम लोग दूसरे वन में चलें, क्योंकि यहाँ बड़े उत्पात होते हैं, यहाँ पूतना आई, छकड़ा उलट गया और यहाँ ये पेड़ गिर पड़े। तो देखो सारे के सारे गांव का हो श्री कृष्ण से इतना प्रेम कि एक बालक के लिए लोगों ने अपने रहने की जो जगह है वो बिल्कुल छोड़ दी।
उनके छोड़ देने के बाद गोकुल कैसा हो गया, द्रव्यावयव निर्धूतम क्षण मात्रेण तत्तथा काक भास समाकीर्णम ब्रजस्थानम अभूत द्विज का, वहाँ तो बस चिड़िया जो है वो जो चीज पड़ी रह गई थी उसको खाने लग गई, और वहाँ से वे लोग वृंदावन के लिए चले महाराज, क्योंकि श्री कृष्ण का ध्यान वृंदावन की हो रही था। सो सुबह नमन साध्यातम गवाम सिद्धिम अभीप्सता, श्री कृष्ण गायों के लिए अनुकूल स्थान चाहते थे, इसलिए शुभ मन से उसका ध्यान करके वृंदावन के लिए चले। अब वहाँ रूखे काल में भी कोमल काल हो गया, ऐसा मालूम पड़े जैसे यहाँ वर्षा होके गई है। हरी हरी दूध हरी हरी दूध, सब लोगों को वृंदावन में जथा स्थान बसा दिया गया, और सकटी बाट पर्यंतम सब लोगों ने छकड़े से छटीकरा गोवर्धन बरसाने नंदगांव तक अर्धचंद्राकार अपनी बस्ती बना ली। और थोड़े दिनों के बाद बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों बछड़े चराने के बाहर जाने लगे। ये एक जगह स्थान एक जगह बैठ के आपस में खेला करते थे और बछड़े चरा करते थे। इनके सिर पर मोर पिच्छ का मुकुट होता था और जंगली फूल के ये कुंडल बना लेते थे, और वेणु बांस की वेणु बनाए बनाए करके उसको बजाया करते थे, और काकुल काकुल अपने बालों में काकुल पहनते थे। कौवे काक पक्ष धरो बालो कुमारा विव पावकौ, अपने बाल को बड़ा सुंदर बना लेते थे। हंसते थे खेलते थे सारे वन में विचरण करते थे, और कहीं एक दूसरे के कंधे पर खेलते थे। ग्वाल बाल आपस में बड़े बड़े आनंद करते थे। नारायण इस तरह 7 वर्ष तक ब्रज में वे क्रीड़ा करते रहे। इसके बाद वर्षा ऋतु आई महाराज। वर्षा ऋतु आने से बड़ा आनंद आ गया और आकाश में बादल गरजने लगे, कभी कभी वर्षा होने लगी। अभिवेक के घर में राजा के घर में जो संपत्ति होती है उसमें कोई नियम कोई मर्यादा नहीं होती है। आकाश में बादलों के भीतर बगुला जो हैं वो चमकने लगे, जैसे दुर्वृत्त के प्रति कोई सद्वृत्त की चेष्टा करता हो। इस प्रकार वर्षा ऋतु सारे ब्रज में फैल गई। उसमें श्री कृष्ण और बलराम खूब क्रीड़ा करने लगे। संतुष्ट हो करके समय न होने पर उनके लिए वही भोजन आ जाता। शाम को वो ब्रज में लौट आते, अपने समान वय के जो बालक थे उनके साथ राम कृष्ण नृत्य करते थे। एक दिन की बात है, बलराम जी के बिना श्री कृष्ण वृंदावन में गए। एक दातु बिना रामम कृष्णो वृंदावनम जजऊ, और वहाँ जंगली जो फूल हैं उनकी माला बना बना करके धारण करके विचरण करने लगे। श्री कृष्ण जमुना जी के तट पर गए, उसमें तरंगें उठ रही थीं, वो अपने फेन से मानो हंस रही हों। उनके भीतर एक बहुत बड़ा विषैला काली नाग नाम का सांप रहता था, उसको श्री कृष्ण ने देखा। उसके विष के आग से किनारे के वृक्ष जो है वो जल गए थे, और उसका जो जल उड़ता था आकाश में हवा के साथ उससे पक्षी गिर पड़ते थे, बड़ा भयंकर था वो। उसको देख करके श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये जमुना जी में रहेगा तो हमारी क्रीड़ा हमारा खेल इसमें किस प्रकार से संपन्न होगा। पहले मेरे ही स्वरूप गरुण ने इसको पराजित कर दिया है, अब यहाँ आकर के ये लोगों को तकलीफ देगा।
सो इस दुष्ट का दमन करना चाहिए, इसी के लिए तो मेरा अवतार हुआ है। यदि इन दुष्टों का दमन मैं नहीं करूंगा तो नारायण कैसे हमारे अवतार का प्रयोजन पूरा होगा। सो नारायण थोड़ी ही दूर पर एक कदम्ब का वृक्ष था, उसमें बड़ी बड़ी डालें थीं। अब कृष्ण ने सोचा कि इसी पर चढ़ करके और हम इस काली नाग को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार सोच विचार करके श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और कूद पड़े वहाँ और जा करके ललकार दिया और ताली पीटने लगे। नारायण ग्वाल बालों ने देखा कि श्री कृष्ण को इस काली दह में पड़ करके बड़े संकट में पड़ गए हैं और काली नाग ने उनको अपने फंदे में बिल्कुल फंसा लिया है। अब देखो गोप लोग चिल्लाए, देखो देखो श्री कृष्ण तो बेहोश पड़े हैं और इनसे हिला डोला नहीं जाता है। गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को इस दिशा में देखकर बहुत व्याकुल हुई। वो कहने लगे कि बिना सूरज के दिन कहाँ होता है, बिना चंद्रमा के रात कहाँ होती है, और बिना बैल के गाय कहाँ होते हैं, और बिना कृष्ण के ब्रज कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण के बिना हाय हाय हम तो मर जाएंगी और इसी कुंड में प्रवेश करेंगी। अब जब बलराम जी ने देखा इस सारा ब्रज इस काले दह में प्रवेश करने के लिए तैयार है तो उन्होंने जसोदा मैया को जगाया, नंद बाबा को जगाया, ग्वाल बालों को होश में किया और उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की कि श्री कृष्ण तुम जगत के नारायण आधार भूत आधार स्तंभ हो, कर्ता हर्ता पाता हो और तुम ही वेदमय हो, सारे देवता तुम्हारे अधीन हैं। ये तुम क्या काली नाग के फंदे में फंस के बेहोश हो गए हो, मनुष्य लीला दिखा रहे हो, ये तो तुम्हारा नाटक है। सो जल्दी से तुम अब ये मानुष भाव छोड़ दो और अपने असली भाव को दिखाओ, इस दुष्ट काली नाग का दमन करो। इस प्रकार जब महाराज बलराम जी ने कहा तो श्री कृष्ण के होठों में मुस्कान आ गई। इति सस्मारित कृष्ण स्मित भिन्नोष्ठ संपुट आस्फोट्य मोचयामास स्वदेहं भोगी बंदनात्। उन्होंने अपने शरीर में कुछ जरा सा ऐंठ दिया, फैल गया उनका शरीर। जो फैलाया सो काली नाग का जो बंधन था सो छूट गया और उन्होंने उसके सिर को पकड़ के झुकाया और उसके ऊपर आरूढ़ हो गए और उस पर नृत्य करने लगे। अब तो महाराज थोड़े नृत्य करते करते काली नाग का जो सिर है वो व्याकुल होने लगा, जो जो सिर वो उठावे उसी उसी पर उनका पांव पड़े। वो जो काली नाग था वो बेहोश होने लगा और उसके मुंह से खून गिरने लगा, उसके सिर टूटने लगे। तब उसकी जो पत्नियां थीं वे श्री कृष्ण के पास आई और बोले कि प्रभु हम लोगों ने पहचान लिया, आप देवेश सर्वज्ञ हैं और परम ज्योति अचिंत्य ब्रह्म साक्षात परमेश्वर हैं। बड़े बड़े देवता भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं। नारायण ये आपके चरणों से पीड़ित हो करके काली नाग जो है ये मूर्छित हो रहा है, इसमें तो बहुत थोड़ी शक्ति है और कहां आप सब भुवनों के आश्रय हैं। सो प्रीति करना हो तो बराबरी वाले से करना चाहिए और द्वेष भी करना हो तो बराबरी वाले से करना चाहिए। आप इस छोटे से नाग से क्यों दुश्मनी करते हैं, इसके ऊपर तो कृपा कीजिए, ये मर जाएगा। हम लोग अपने पति की भिक्षा आपसे मांग रही हैं, भर्तृ भिक्षा प्रदीयताम, हमको हमारे भतार को भिक्षा के रूप में दे दीजिए। भुवनेश जगन्नाथ महापुरुष पूर्वज प्राणास्तिजति नागोयम
भर्तृभिक्षाम प्रयच्छन हे भुवनेश हे जगन्नाथ हे महापुरुष हे श्री कृष्ण ये हमारा पति नाग अपने प्राण त्याग रहा है आप उसकी ओर न देख के हमारी ओर देखें और हमारे हमारे पति की भिक्षा दें हे वेद वेदांत वेद्य हे देवेश हे दुष्ट दैत्य निवरण ये सांप मर रहा है हम लोगों को हमारे पति की भिक्षा दीजिए। इस प्रकार महाराज जब उन गोपियों ने जब उन नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की तो काली नाग को भी थोड़ा ढाढ़स बंधा और उसने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप आठ ऐश्वर्य से युक्त हैं आपसे बड़ा तो सृष्टि में कोई है नहीं परे से परे तुम हो ब्रह्मा रुद्र इंद्र चंद्र सब आपके हिस्से हैं नारायण ब्रह्मा आदि आपकी पूजा करते हैं और इंद्र आदि आपके अवतार रूप की पूजा करते हैं बड़े बड़े योगी विषयों से अपने मन को हटा करके आपकी आराधना करते हैं भाव पुष्प से आपकी पूजा करते हैं सो हे देव देशो हे देव देवेशो हम आपकी कैसी अर्चा करें कैसे स्तुति करें हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। काली नाग ने प्रार्थना की कि महाराज आप कृपा करना तो आपका स्वभाव ही है जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूँ वो सर्प जाति बड़ी क्रूर है इसी में और सर्प का जो स्वभाव है वो मेरे अंदर भी है इसलिए मेरा कोई अपराध नहीं है आपने ही सारी सृष्टि बनाई है और आप ही सबका संहार करते हैं और जातियों का और उनके स्वभावों का निर्माण भी आपने ही किया है तो आपने हमको भी जैसा बनाया है वैसा मैं हूँ वैसे ही मेरा स्वभाव है यदि आपके बनाए हुए स्वभाव के अनुसार मैं बर्ताव न करता तो अपराधी होता और तो आपको मुझे दंड देना चाहिए था मैं तो आपके बनाए हुए स्वभाव के अनुसार बरत रहा हूँ अब मेरा विष नष्ट हो गया मेरा दमन हो गया अब मुझे आप जीवन दान कीजिए। भगवान ने कहा कि हे सर्प अब तुम यहाँ मत रहो क्योंकि जमुना जी में मैं क्रीड़ा करने वाला हूँ और ये मेरे चरणों के जो चिन्ह हैं ये तुम्हारे सिर पर रहेंगे इससे गरुड़ तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचावेंगे। भगवान ने सबके सामने वो ग्वाल बाल गोपी गाय बछड़े नंद बाबा यशोदा मैया बलराम जी सब देख रहे थे सारी सृष्टि देख रही थी उसके सामने उस काली नाग को छोड़ दिया उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और वो समुद्र में चला गया और काली दह को छोड़ दिया। नारायण श्री कृष्ण तो जैसे मर के फिर से लौट आए हो ऐसे लौट के गोपों के बीच में आ गए और गोप उनको अपने हृदय से लगाने लगे अपने उनका सिर सूंघने लगे उनके ऊपर अपने प्रेम के आंसू बरसाने लगे। दूसरे लोग श्री कृष्ण की ये लीला देख करके विस्मित हो गए जमुना जी का जल परम पावन निर्मल हो गया। अब गोपी गोप श्री कृष्ण के चरित्र का गान करने लगे और इस प्रकार वे ब्रज में आए। आगे वर्णन करते हैं कि एक दिन बलराम श्री कृष्ण और ग्वाल बाल ताल वन में चले गए वो गायों को चराते हुए वहाँ धेनुक नाम का एक असुर रहता था वो गधे के रूप में रहता था। अब न गोपों के मन में ये इच्छा हुई कि हम लोग ये फल खाएं उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण से प्रार्थना की सो बलराम जी ने कहा कि ठीक है इस ताल बन को असुरों से रहित तो कर ही देना चाहिए सो उन्होंने तालों को हिलाकर फल गिराया। अब वो दुष्ट आया महाराज सो पीछे के दोनों पांव पकड़ पकड़ के ऐसा पीटा उन्होंने आकाश में घुमा घुमा के धरती में पेड़ों पर पटक दिया और भी फल गिरने लगे ताल के पेड़ गिरने लगे। श्री कृष्ण ने भी बलराम जी का साथ दिया उसी दिन से ये देहाभिमान रूप देहाभ्यास रूप जो धेनु का सुर है
वो मर गया और ब्रज भूमि की शोभा और बढ़ गई और वो पृथ्वी का अलंकार हो गया और बाल बाल उसी दिन से वहाँ भोजन करने लगे। सो नारायण, ताल बन की तो शोभा बढ़ गई और बड़े आनंद से ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ा करने लगे, आपस में एक दूसरे छेड़छाड़ करें, गावें, पेड़ों को पहचाने, गायों को चराते हुए दूर दूर तक चले जाएं, उनके सिर पर फंदे की, गायों को फंसाने का जो फंदा है उसकी पगड़ी हुआ करते थे, और बछड़ों को पांव में बांधने के लिए जो नोवना है उसको गले में माला के रूप में पहनते थे, और बलराम श्री कृष्ण की बड़ी शोभा होती थी, ऐसा मालूम होता था जैसे सुवर्ण और अंजन का कोई चूर्ण हो। इस प्रकार वे विचरण करते थे और आपस में जैसे गांव के बालक खेलते हैं ऐसे खेला करते थे। सो नारायण, वे सब लोग समस्त हुए राम कृष्ण समस्त लोगों के स्वामी होने पर भी मनुष्य बालक की तरह खेलते थे और वैसी क्रीड़ा करते थे, कभी झूला झूल डाल करके झूलते और कभी आपस में कुश्ती लड़ते, कभी व्यायाम करते, कभी पत्थर फेंकते। सो उन्हीं के बीच में एक प्रलंब नाम का जो असुर था वो आ गया, वो ग्वालों का वेश धारण करके उसमें छिपा हुआ था। सो महाराज, इन लोगों ने उस दिन हरिणा क्रीडन नाम हरिणों का खेल खेलना, इस खेल का स्वरूप ये होता है कि दो बालक उछलते हुए एक लक्ष्य को छूने के लिए दौड़ते हैं, वहाँ जो पहले पहुँच जाता है वो जीत जाता है और जो बाद में पहुँचता है वो हार जाता है। अब इस तरह का खेल हुआ तो श्री रामा और श्री कृष्ण की एक जोड़ी हुई, बलराम और प्रलंबा असुर की एक जोड़ी हुई। उधर श्री कृष्ण तो श्री रामा से हार गए क्योंकि वो तो भक्तों के सामने हमेशा से ही हारते आए हैं, और बलराम जी ने प्रलंबासुर को जीत लिया। तो श्री रामा को तो अपने कंधे पर चढ़ा करके अमुक जगह तक श्री कृष्ण ने पहुंचा दिया, लेकिन वो प्रलंबासुर ने जो लिया महाराज बलराम जी को अपने सिर पर, सो वो ले करके और दैत्य बन गया और उड़ करके आसमान में चलने लगा। अब एक बार तो डर गए कि ये कौन है श्री कृष्ण का मित्र, और पुकार के उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, ये हमको हरण करके लिए जा रहा है, हमको क्या करना चाहिए। सो श्री कृष्ण ने कहा कि बलराम जी, ये तुम क्या मनुष्य का भाव प्रकट कर रहे हो, तुम तो सर्वात्मा सर्वगुज्य परमेश्वर हो, तुम अशेष जगत के बीज हो और अद्वितीय परमेश्वर हो, जब ये सृष्टि प्रलय समुद्र में लीन हो जाती है उस समय तुम एक रहते हो, तुम और मैं दोनों एक ही हैं, भवान हम तो विश्वात्मन एकमेव च कारणम, तुम और मैं दोनों मिलकर के एक हैं, ये तो जगत के लिए हम दो बन करके प्रकट हुए हैं। तत्स्मर्जताम अमे आत्मन त्वयात्मा जहि दानवम, तुम अपने आप को स्मरण करो और इस दानव को मार डालो। सो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बलराम जी को हंसी आ गई और उन्होंने एक घूंसा ऐसा प्रलंबासुर को मारा कि उसका सिर फट गया, वो धरती पर गिर पड़ा। अब तो गोप बड़े ही संतुष्ट हुए, साधु साधु शाबाश शाबाश बोलने लगे और दैत्य को मार करके श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बाल ये सब के सब गोकुल में लौट आए।